नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधारों के बल पर भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। झारखंड विधानसभा चुनाव की पांचवें और अंतिम चरण में 71% से अधिक मतदान। असम सरकार नागरिकता मुद्दे पर प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम से असमियों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं। जयपुर बम धमाकों में 4 दोषियों को मौत की सजा। उन्नाव दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख रूपये का जुर्माना। साइखोम मीराबाई चानू ने कतर इंटरनेशनल कप भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सुधारों के बल पर भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई काम किए हैं। नई दिल्ली में आज एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में देश ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं और हासिल भी किए जा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है और इसलिए आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल पहले अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी, लेकिन उनकी सरकार इसमें बदलाव कर अनुशासन और सकारात्मकता लाई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसी चुनौती से नहीं डरती। श्री मोदी ने कहा कि भारत में इस समय ऐसी सरकार है जो किसानों, मजदूरों और उद्योग जगत सबको एक समान महत्व देती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों से 13 बैंक मुनाफे की राह पर लौट आए हैं। 6 बैंक पीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं। हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है। बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलंदाजी को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कंपनी जगत और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि पुरानी कमजोरियों को दूर कर लिया गया है और लोग अब निवेश और खर्च के बारे में मजबूती से निर्णय ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2020-21 के आम बजट के सिलसिले में जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व 8वां विचार विमर्श किया। इसमें 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों, रोजगार परक विकास के उपायों, वित्तीय मामलों में पारदर्शिता, वित्तीय दूरदर्शिता और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के बारे में चर्चा हुई। वित्त सचिव राजीव कुमार और आर्थिक कार्य सचिव अतनु चक्रवर्ती ने भी बैठक में हिस्सा लिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत पेरिस समझौते का पालन करने वाले देशों में सबसे आगे है और बहुत जल्द अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए उत्सर्जन सघनता कम करने का लक्ष्य 35% रखा गया था और उसने 21% लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने जो काम किया है पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत ने लक्ष्य जो लिया है पेरिस के समझौते में, तो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को हम कम करेंगे और ये 35% करेंगे। मुझे खुशी है आज ही हमारा 21% हो गया है और इसलिए हम बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस बैठक में ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया है जिससे भारत के हितों को नुकसान हो। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक हुआ। संथाल परगना क्षेत्र के दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों के इन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि आज 71% से अधिक मतदान हुआ।
रांची विधानसभा में सबसे कम मतदान का प्रतिशत परिलक्षित हुआ 49.04% और सबसे अधिक मतदान का जो टर्नआउट है वोटर का वो पांचवें चरण में रहा है 8 नाला जहां पे कि 78.01% है। पांचवें चरण के कुल 16 विधानसभा क्षेत्रों में औसत मतदान 71.17% रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदाताओं ने 5 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और शिकारीपाड़ा में भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। 93% दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक अपना मत डाला। आज के मतदान के बाद 29 महिलाओं समेत 236 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इनमें 2 मंत्री लुईस मरांडी और रणधीर सिंह, झामुमो नेता हेमंत सोरेन और झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं कृष्ण कुमार लाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कहा है कि वे जो भी करें राष्ट्रहित में करें और हिंसा से बचें। नई दिल्ली में आज राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स के विमोचन के बाद श्री नायडू ने कहा कि विचारों का मतभेद ही लोकतंत्र की मूल भावना है, लेकिन लोगों को इसके लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा सर्वोपरि है और लोगों को सकारात्मक तथा रचनात्मक विचारों के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवि खराब हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो और राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले। मंत्रालय ने इससे पहले जारी एक परामर्श का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ टेलीविजन चैनल इसकी परवाह किए बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है। मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से कहा कि वे ऐसी बातें न दिखाएं जिससे राष्ट्र की अखंडता पर असर पड़े या किसी व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र की छवि धूमिल हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। मंत्रालय ने कहा कि परामर्श नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत करेगी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज नलबाड़ी शहर में शांति मार्च निकाला जिसमें मुख्यमंत्री सोनोवाल के अलावा कई मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रदेश में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि असम हमेशा असमियों के लिए रहेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से राज्य के मूल निवासियों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बीच राज्य में आज सुबह से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर बहाल कर दी गईं। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के प्रशासकों से कहा गया है कि वे कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी को पोस्ट नहीं करने को सुनिश्चित बनाएं। जबलपुर में आज हिंसक प्रदर्शनों के कारण कुछ क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतियाती उपाय के तौर पर कल स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 43 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपने माता पिता या उनके माता पिता के 1971 से पहले के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि जिन अनपढ़ नागरिकों के पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें गवाह पेश करने या अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा समर्थित स्थानीय सबूत पेश करने की इजाजत दी जाएगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जन्मतिथि या जन्म स्थान या दोनों में से संबंधित दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा। संसद में संशोधित नागरिकता कानून
पारित होने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के बाद ये स्पष्टीकरण आया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके में हुए आज हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता MS रंधावा ने संवाददाताओं को बताया कि इस हिंसक प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रदर्शन को देखते हुए दिन और शाम के समय कई स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया है। अभी जामा मस्जिद, जाफराबाद और मौजपुर बाबरपुर स्टेशनों को छोड़कर ज्यादातर स्टेशनों पर प्रवेश और निकास खोल दिया गया है। यातायात पुलिस ने पुरानी दिल्ली और मध्य दिल्ली से जुड़ी कई सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच सजा की घोषणा की। अदालत ने एक अभियुक्त शहबाज हुसैन को संदेह का फायदा देते हुए बरी कर दिया। इस मामले के दो अन्य अभियुक्त 2008 में ही दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि पांच अन्य अब भी फरार हैं। एक रिपोर्ट। 13 मई 2008 की शाम थी। जयपुर की चारदीवारी रोज की तरह आबाद थी, लेकिन एक के बाद एक आठ स्थानों पर हुए बम धमाकों के बाद मंजर पूरी तरह बदल गया। कुछ ही देर में हर स्थान पर चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। 80 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि 185 लोग घायल हुए। इस मामले में 11 में से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। न्यायालय ने बुधवार को 4 आरोपियों को दोषी माना और एक को बरी कर दिया। न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित लोग आज न्याय मिलने के बाद खुश हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म और अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि सेंगर जनप्रतिनिधि था और उसने लोगों के विश्वास को धोखा दिया है। भारत चीन सीमा विवाद पर विचार विमर्श के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की कल नई दिल्ली में बैठक होगी। इस मुद्दे पर दोनों देशों की ये 22वीं बैठक है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने देश के शिष्टमंडल की अगुवाई करेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी का दौर रहा और सूचकांक 8 अंक की बढ़त से नए रिकॉर्ड स्तर 41,682 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 12 अंक की बढ़त से नई रिकॉर्ड ऊंचाई 12,272 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की गिरावट से 71.03 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। साइखोम मीराबाई चानू ने छठे कतर इंटरनेशनल कप भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूर्व विश्व चैंपियन चानू ने ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 194 किलोग्राम वजन उठाकर पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता चानू ने स्नैच में 83 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। आज शाम दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जानी मानी कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम की जन्म शताब्दी पर आज नई दिल्ली में 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका आयोजन साहित्य अकादमी और पंजाबी अकादमी ने मिलकर किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधारों के बल पर भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। झारखंड विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में 71% से अधिक मतदान। असम सरकार नागरिकता मुद्दे पर प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम से असमियों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जयपुर बम धमाकों में 4 दोषियों को मौत की सजा। उन्नाव दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।